What's up guys, Danish here and welcome back to the channel. अब दो questions ऐसे हैं जो कि मुझसे time and again continuously पूछे जा रहे हैं. Number one कि आपने Ireland क्यों छोड़ा, क्या reason रहा, क्या problems रही. And number two कि आपने Canada क्यों choose किया, उसका proper step by step मुझे process बताओ. कौन सा agent आपने use किया, processing timelines, कितने पैसे लगे, क्या क्या problems आई बीच में, and anything and everything. तो आज की वीडियो में मैं फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करूंगा एंड हियर आर द टॉप 5 रीजंस जिसकी वजह से मैंने आयरलैंड छोड़ा. बट एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि ये जो टॉप 5 रीजंस मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो मेरे पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से है, राइट. मेरे लिए इंपैक्टफुल है, हो सकता है आपके लिए अलग हो एंड आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट. एंड इन दैट केस आई वुड वॉन्ट टू नो कि ऐसे कौन से रीजंस है कि अगर आप कल को आयरलैंड छोड़ना चाहो तो क्या क्या चीज़ें होंगी जो आप कंसिडर करोगे. बाकी लेट्स गेट स्टार्टेड विद पॉइंट नंबर 1 विच इज सैलरीज. अब मैं नॉर्मली भी अगर गूगल सर्च करके देखूँ कि सैलरीज इन यूरोप वर्सेज सैलरीज इन नॉर्थ अमेरिका, तो ऑब्वियसली आंसर ये आता है कि यार नॉर्थ अमेरिका में सैलरीज बहुत हाई है एज कम्पेयर टू यूरोपियन कॉन्टिनेंट, राइट. और इसके पीछे का रीज़न है US. US कहीं ना कहीं लीड करता है सैलरीज देने में. कहीं पे आपको लिखा दिखेगा कि यार ट्वाइस दैट मच सैलरी है एज कम्पेयर टू यूरोप, कहीं पे लिखा होगा 2.5 3x वगैरह वगैरह, राइट. मगर यहाँ पे जो है वो कनाडा की बात आ रही है, US की बात नहीं है. बट सिंस मैंने काफ़ी सारे अपने दोस्तों से पूछा जो कि डिफरेंट डोमेन्स में थे, मेडिकल पीपल, टेक्नोलॉजी में, फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, हॉस्पिटैलिटी में, स्टफ़ लाइक दैट, तो वहाँ पे भी मुझे पता चला कि यार आयरलैंड में या फिर अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे जर्मनी से काफ़ी मेरे फ्रेंड्स जो है वो शिफ्ट हुए थे कैनेडा, कैनेडा में सैलरीज जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड या फिर एनी अदर यूरोपियन कंट्री. अब ऑब्वियसली बहुत सारी स्किल्स पे डिपेंड करता है, सर्टिफिकेशंस पे डिपेंड करता है, आपकी पर्सनल क्वालिफिकेशंस पे डिपेंड करता है, आप PhD होल्डर हो या मास्टर्स होल्डर हो या फिर हाई डिप्लोमा होल्डर हो या जैसे भी है. अब एक नेक्स्ट रीज़न आता है पेरेंट स्पॉन्सरशिप, राइट. अब एक दो अलग अलग सिचुएशंस है उसमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, राइट. आयरलैंड में अगर आपको पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना है, यू हैव दैट स्टैम्प जीरो एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग, मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में कई बार एक्सप्लेन किया, राइट. लेकिन उसमें जो सैलरी रिक्वायरमेंट है वो है 96,000 यूरोस बिफोर टैक्स विच इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 60,000 यूरोस आफ्टर टैक्स, एंड दैट टू अगर आपको एक पेरेंट को स्पॉन्सर करना है या मॉम को या डैड को, राइट. और आपकी 75,000 यूरोस आफ्टर टैक्स होनी चाहिए अगर आपको अपने दोनों पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना है. ये एक सिचुएशन है. दूसरी सिचुएशन जो है आपकी कैनेडा में आती है, जो आपकी सैलरी है अगर आपको एक पेरेंट को स्पॉन्सर करना है दैट शुड बी अराउंड $33,000. अब यहाँ पे आपको नंबर 2 दिख रहा है, दैट मीन्स कि आप अपने एक पेरेंट को स्पॉन्सर कर रहे हो एंड योर सेल्फ, राइट. तो दो बंदे हो गए पूरी फैमिली में, इसलिए यहाँ पे 2 है. लेकिन अगर आप यहाँ पे 3 देखो, विच मीन्स योर सेल्फ, योर मॉम एंड योर डैड, अगर आप 3 लोगों को सो टू स्पीक स्पॉन्सर कर रहे हो या फिर 2 लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हो जैसे मॉम डैड हो गए इंक्लूडिंग योर सेल्फ, तो आपकी सैलरी जो होनी चाहिए बिफोर टैक्स शुड बी इक्वल टू $41,000. अब कहाँ $41,000 अगर आपको मॉम डैड को स्पॉन्सर करना है, कहाँ 96,000 यूरोज विच इज ऑब्वियसली $100,000 के पार अगर आपको एक पेरेंट को स्पॉन्सर करना है. तो यार इतनी बड़ी डिस्क्रेपेंसी क्यों, इतना बड़ा गैप क्यों, वहाँ पे पेरेंट्स की स्टेबिलिटी का क्या, वहाँ पे आयरिश गवर्नमेंट पेरेंट्स को लिटरली पेरेंट्स मानेगी या फिर क्या है सिस्टम. तो मुझे ये चीज़ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में हल्की सी कमी आ गई, तो मैंने कहा यार इट्स लॉट बेटर कि यार एक बार के लिए कैनेडा थोड़ा सा ही ज़्यादा कंसिडर किया जाए एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड. तो दैट वॉज द सेकेंड रीज़न पर्सनली है, हो सकता है आपके लिए ना हो, बट ये मेरा एक रीज़न था. अब एक नेक्स्ट फैक्टर आता है स्टेबिलिटी का. अब हालांकि है तो ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल फैक्टर, लेकिन एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट आई फील अबाउट स्टेबिलिटी. अब मान लो 2 कंपनीज है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, जो भी है, एक कोई भी एक रैंडम कंपनी पकड़ लो, दूसरी कंपनी जो है वो बहुत फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, राइट. कोई स्टार्टअप हो सकती है, कोई एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होने वाली कंपनी हो सकती है, जो भी है, लेकिन अभी मिड स्केल तक है बट हाई स्केल पर नहीं है, राइट. तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसमें आप अपने आप को लाइफ लॉन्ग देख सकते हो, लाइक अप अंटिल द रिटायरमेंट एज, 50-60 इयर्स तक की एज में आप अपने आप को देख सकते हो कि यार मैं 40 इयर्स तक की सर्विस इस कंपनी में दे सकता हूँ, कौन सी कंपनी होगी? मेरे हिसाब से ये है कि जो स्टार्टअप फर्म है या जो छोटी कंपनी है, इट्स गुड फॉर लर्निंग, नई चीज़ें सीखो जो भी है, लेकिन जो स्टेबिलिटी वाली जो कंपनी है दैट विल बी योर बिग कंपनी, राइट. आप कहीं ना कहीं चाहोगे कि मैं एक बड़ी कंपनी में, रिप्यूटेड कंपनी में जाके स्टेबल हो जाऊँ और वहाँ पर मेरी रिटायरमेंट हो या जो भी है. सेम कॉन्सेप्ट जो है मेरा कंट्रीज के हिसाब से भी था. आयरलैंड इज़ गुड फॉर लर्निंग, फॉर डेवलपिंग, जैसे भी है, लेकिन उसके बाद जब स्टेबिलिटी का फैक्टर आता है, पर्सनली मेरे हिसाब से, हो सकता है आई एम रॉन्ग, हो सकता है आई एम राइट, आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से ये था कि यार स्टेबिलिटी के लिए कैनेडा या फिर US या फिर एनी ऑफ द बिग कंट्रीज, इन दिस केस कैनेडा ऑब्वियसली, वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड. बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, कैनेडा बहुत बड़ा है, बहुत सारी प्रॉपर्टी की वेराइटीज़ हैं जो आप परचेज कर सकते हो, बहुत सारे कमाने के तरीके हैं, इट्स नॉट जस्ट जॉब जिसमें आप कमा सकते हो.
बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लो हेल्थ केयर फ्री है वगैरह वगैरह, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें आपके लिए रेलेवेंट ना हो, आपके लिए इम्पैक्टफुल ना हो, विच इन दैट केस इट्स कम्प्लीटली फाइन। मेरे लिए थोड़ा सा इम्पैक्टफुल था तो मैंने कहा यार इट्स लॉट बेटर कि यार कनाडा मूव हो जाना अभी इस टाइम पे बेटर है एज़ कम्पेयर टू आगे 4-5 साल बाद। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स। एंड नाउ इज़ अ गुड टाइम टू इंट्रोड्यूस आर स्पॉन्सर ऑफ द वीडियो। सो टुडे स्पॉन्सर इज़ मनीजार। मनीजार इज़ अ प्लेटफॉर्म दैट विल प्रोवाइड यू फुल फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम विद योर मनी एंड योर पर्सनल फाइनेंसिस। बट हेयर इज़ अ न्यू फीचर। सो मनीजार इज़ ऑफरिंग foreign exchange services to its international customers, which means you can send the money internationally to your family and friends without any hassle. At this point in time, it's limited to 5 countries, including India, Brazil, Mexico, Poland, and Ukraine. But as and when the need arises, the countries will continue to expand and grow. Also, about the safety. Safety is one of the top priorities of Manijar. As a matter of fact, your account and data is completely encrypted at the database level using TLS 256-bit encryption, which means it's highly secure. So if you want to know more about Manijar and its application, or even if you want to download the app from your App Store or Google Play Store, feel free to check the link in the description box below. And thank you Manijar for sponsoring the video. अब एक नेक्स्ट पॉइंट आता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके। अब मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल एक्चुअली लाइव सिनेरियो बताता हूँ। आप में से कुछ लोगों को पता होगा लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पता हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं नया नया आयरलैंड आया था तो देर यूज टू बी अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज मल्टीपल एंट्री वीज़ा, राइट। अब जैसे से फॉर एग्जाम्पल आप एक कंट्री का वीज़ा लगवाते हो, राइट, अब उसके बाद आपका मन करता है 6-7-8 महीने बाद कि यार मैं यूके विजिट करके आऊँ, मैं इंडिया वापस एक बार चक्कर लगा के आऊँ, राइट। आप जा तो सकते हो लेकिन जब आप आओगे वापस, राइट, तो एंट्री परमिशन के लिए आपका जो पहले वीज़ा मिला है दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल, दैट एक्चुअली यूज टू बी नॉट एप्लीकेबल, राइट। तो उसके लिए आपको नया वीज़ा, एक और वीज़ा लगवाना पड़ता था जिसका नाम था मल्टीपल एंट्री वीज़ा। उसकी अलग फीस, प्रोसेसिंग टाइमलाइन, सब कुछ अलग से होता था, जिसकी कोई सेंस बनती नहीं थी, राइट। तो काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो GNIB ऑफिस के बाहर खड़े होकर वोट्स किए, प्रोटेस्ट वगैरह किए कि यार इसकी कोई सेंस नहीं बनती, वैन वी ऑलरेडी हैव एन आयरिश वीज़ा, राइट, हमें मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेने की क्या ज़रूरत है, राइट। अब जैसे आपके पास ऑलरेडी अगर यूके का वीज़ा हो तो आपको बार बार यूके का मल्टीपल एंट्री वीज़ा उस ड्यूरेशन के लिए लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो फाइनली वो रूल जो है वो अबॉलिश हुआ कम्प्लीटली, उसको नल एंड वॉइड किया गया वगैरह वगैरह। एंड नाउ अगर अभी रिसेंटली केस में आप देखो Stamp 1G की, आपने हो सकता है न्यूज़ ऑलरेडी सुनी हो, ना सुनी हो तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ। Stamp 1G अगर आपको एज अ थर्ड लेवल ग्रेजुएट स्कीम के बाद मिलता है, राइट, तो दैट वॉज नॉट काउंटेड अंडर योर सिटीजनशिप, रेकनेबल ईयर्स अंडर सिटीजनशिप। लेकिन अगर आपकी वाइफ को मिलता है दैट वॉज, राइट, तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती। आप ही की वजह से आपकी वाइफ या फिर आपके स्पाउस या जो भी है, अगर वो डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, राइट, और उनको Stamp 1G मिल रहा है, दैट इज़ काउंटेड टूवर्ड्स योर रेकनेबल ईयर्स टूवर्ड्स योर सिटीजनशिप, राइट। लेकिन आप क्योंकि आप स्टडीज़ करके आए हो, टैक्स दिया है, पार्ट टाइम जॉब्स करी है, हाई फीस दी है, राइट, ग्रोसरीज में भी आपने टैक्सिंग गवर्नमेंट को दिया है, सब कुछ, तो आपको जो ग्रेजुएट लेवल वीज़ा जो मिल रहा है Stamp 1G, वो सिटीजनशिप में काउंट होता ही नहीं था। तो ये यू नो ये सारे इस टाइप के जो रूल्स है उसकी कोई सेंस बैठती नहीं है। अब उन्होंने गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली है एक्सप्लिसिटली कि एक्चुअल में काउंट होता है। तो मतलब इस टाइप के कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आई थिंक नीड्स अ लिटिल बिट मोर वर्क, यू नो, डेवलपिंग कंट्री है तो यू वुड एक्सपेक्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो अब ये चीज़ जो थी मुझे कंटिन्यूसली बैक एंड फोर्थ करना पसंद नहीं है, राइट। तो फिर मैंने सोचा कि यार मच बेटर है कि माइट एज वेल मूव टू कैनेडा राइट नाउ एज कम्पेयर टू मूविंग टू कैनेडा सम टाइम्स इन द फ्यूचर, 5 years, 10 years डाउन द लाइन। दैट वॉज वन ऑफ द रीजन्स। फाइनली एक रीज़न आता है लाइफ स्टाइल एंड फूड। अब यार फूड का हमारा यू नो ऑलरेडी कितना बड़ा कनेक्शन रहता है इंडियंस का, पंजाबियों का, डेलीआइट्स का। तो फूड जो है इंडियन फूड वो ऑब्वियसली रेस्टोरेंट्स वगैरह में आयरलैंड में मिलता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रीट फूड होता है वो आपको बताने की ज़रूरत तो है नहीं कनाडा में कितना, मतलब क्या पॉपुलैरिटी है या जैसे भी है। लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि नाइट लाइफ की मैं बात करूँ, तो ले दे के आयरलैंड में या डब्लिन में फॉर दैट मैटर इट्स ओनली वन प्लेस, राइट, विच इज़ टेम्पल बार। जो नए आए हैं अभी आप आजकल टेम्पल बार जाओगे बट वो मोनोटोनस हो जाता है एक टाइम के बाद, राइट। बंदा कब तक यू नो टेम्पल बार जा सकता है? आप घूमने फिरने के लिए कभी स्लाइगो कभी कॉर्क जाओगे बट दैट्स इट, देयर इज़ नथिंग एल्स। मगर वहीं पे अगर मैं कनाडा में बताऊँ तो नाउ दैट आई हैव PR समटाइम्स आप मेक्सिको जा सकते हो कनाडा के बाहर वैसे ही फर्स्ट प्लेस में विदाउट एनी अदर वीज़ा और विदाउट एनी अदर परमिशंस। तो आप उसके अलावा भी वैंकूवर इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, आप मॉन्ट्रियल जा सकते हो जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट कॉलोनी है, जैसे कि फ्रेंच सोसाइटी है वहाँ पे या जो भी है। तो मतलब अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग कल्चर्स देखने का मौका मिल रहा है। तो देर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू हेयर इन कनाडा। और लाइफस्टाइल वाइज जो है मुझे ऐसा उस टाइम पे लगा कि यार इट वुड बी लॉट स्मूथ अगर मैं कनाडा मूव हो जाता हूँ एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड। आयरलैंड में भी आई हैव टू वेट अप अनटिल द सिटीजनशिप या फिर शेंगेन वीज़ा लगवाओ, तब जाके मैं इधर उधर दूसरी कंट्रीज़ में जा सकता हूँ। और मुझे थोड़ा सा ऐसा उस टाइम पे लगा कि यार आयरलैंड एक टाइम के बाद ना कहीं मोनोटोनस हो जाता है, आप थोड़ा 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 करके बोर होना स्टार्ट हो जाते हो कि यार एक जगह आप कितनी बार देखोगे, राइट।
मेरे हिसाब से ऐसा था, पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है आपके हिसाब से ऐसा नहीं है, अगर नहीं है वेल एंड गुड, और मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस यू हैव विजिटेड इन आयरलैंड सो फार। बाकी यार ये टॉप 5 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आई थॉट इट वुड बी लॉट बेटर इस टाइम पे टू मूव टू कैनेडा एज कम्पेयर टू स्टेइंग इन आयरलैंड एंड मूविंग 5 years और 10 years डाउन द लाइन। बाकी दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू फाउंड अ लिटिल बिट ऑफ वैल्यू। अगर आपको वैल्यू मिली हो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। Thank you so much for taking the time. All the very best and see you in the next one.